फ्रेंड्स, देखिए एक हमने उस दिन गेम खेला था, अब हम आज और एक गेम बनाएंगे आपके लिए। उसके लिए हमको चाहिए शीट, ऐसी सिंपल शीट चाहिए। तो आपको बस अभी मैं बताऊंगी कि इस पर क्या करना है, और इसके और पेंसिल। इसके लिए भी ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, ये सब हमारे घर पे ही होता है। और इसमें देखिए अब हमको क्या करना है कि इस तरह से बराबर इस तरह से ड्रॉ करनी है लाइन। ये देखिए, फिर हमको इस तरह से इस ड्रॉ करना है। देखिए आपको दिख रहा है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमको इस तरह से ड्रॉ करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इन सबको कट कर लेंगे। चीज़ है इस तरह से काटना है। और इसके भी ये जो हमने छोटे छोटे स्क्वायर किए थे, इसको भी इस तरह से काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से इनको भी काट लेना है। इस तरह से हम पूरे की कटिंग कर लेंगे। देखिए, ये इस तरह से हम कटिंग कर ली। ये हमको 26 चाहिए है, क्योंकि हम इस पे अल्फ़ाबेट लिखेंगे, तो हमको ये पूरे 26 चाहिए हैं। और 1 मिनट गेम है ये, तो पहले आप प्रॉपर्टीज़ बना लीजिए, फिर हम बताएंगे कि कैसे खेलना है। तो हम इस पर इस तरह से अल्फ़ाबेट लिखेंगे। देखिए, जैसे ये है, इस पर लिखा ए। इस तरह से ए, बी, सी, G, इस तरह से हमको पूरे पूरे 26 अल्फाबेट इन पे सब पे इस तरह से लिख लेना है। फिर मैं आपको दूसरे कटिंग करके बताऊंगी हमको क्या करना है। देखिए, ये देखिए, ये पूरे 26 अल्फाबेट हो गए। ये मैंने ABCD करके पूरे लिख लिए। इनको एक सा नहीं लगाना है, बस यूं ही रखना है इनको। अब हम दूसरी शीट लेंगे, और दूसरी शीट को भी सेम उसी तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसकी भी हमको 26 कटिंग करनी है, 26 पीस में कट करना है, लेकिन अल्फ़ाबेट के साइज में नहीं। इस पर हम कुछ लिखेंगे, इसलिए हमको थोड़े बड़े कॉलम बनाने हैं और बड़ी कटिंग करनी है। तो थोड़ा हम इतनी बड़ी कटिंग इसकी, इतने बड़े कॉलम इसके बनाएंगे।
ये देखिए, ये पहले वाले कॉलम थे, ये हमारे छोटे थे, अल्फाबेट की तरह थे, और ये इसमें हमको चूंकि स्पेलिंग लिखनी है तो ये कॉलम थोड़े बड़े बनाएंगे हम इस तरह से, और इनको भी बिल्कुल सेम कटिंग कर लेंगे जैसे अल्फाबेट की कटिंग की थी। देखिए इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे, हमको एक शीट काटी और उसका इस तरह से इस तरह से सारी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये कटिंग हो गई इनकी सब ये 26 हमने ये भी 26 अल्फाबेट थे और 26 ही ये है। अब हमको इस पे क्या लिखना है जो हम सबने बचपन में पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि देखिए इसमें ए फॉर एप्पल, आपको इसमें इस तरह से स्पेलिंग लिखनी है, और जरूरी नहीं है कि आप ये देखिए आपको सीधी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये देखिए तो इस तरह से, और जरूरी नहीं कि आप एप्पल ही लिखें, जो जो आपको ए से स्पेलिंग याद आए, ए फॉर आर्म, ए फॉर आस, जो भी आपने पढ़ा हो, जो भी आपको उस समय याद आ जाए, तो इस तरह से ए से आपको स्पेलिंग लिखनी है, से बी फॉर बॉय, एक ये कॉमन सी स्पेलिंग है जो हम सब ने ही पढ़ी है, और सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, इस तरह से ये छोटी छोटी स्पेलिंग हमको पूरी ए से लेके और जेड तक सारी स्पेलिंग इनमें लिख लेनी है। ये भी 26 है तो आपको ए से लेके जेड तक सारी स्पेलिंग इसमें लिख लेनी है, इस तरह से करना है। एफ फॉर गर्ल, ये देखिए ये हमने पूरी ए से लेके और जेड तक ये सारी स्पेलिंग लिख ली इन पे, इस तरह से आपको भी लिखनी है, पूरी 26 हो गई है, और इसी तरह हमने ये ABCD बनाई थी 26, तो इनको भी इस तरह से हम अब देखिए क्या करना है कि एक ये लिया है, देखिए ना पोटली लिया है, ये 1 मिनट गेम है, तो आप ध्यान रखिए कि जो हमने ये स्पेलिंग लिखी है ये हमको इसमें रख देनी है, इस तरह से इस पर कर देनी है, और ये जो अल्फाबेट थे, ये अल्फाबेट थे, देखिए ये देखिए ये ABCD जो थे ना हमारे, ये देखिए ये ABCD सब थे, ये पूरे ये हमको इसमें रखने हैं इस तरह से, ये ABCD सब सारे अल्फाबेट इसमें रखने हैं इस तरह से। हमको ये दो हमने बैग बना लिए गेम खेलने के लिए, हमको ये दो बैग रखने हैं। अब हम मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शुरू करना है, तो इसके लिए हम टाइमर तो लगाते ही हैं, स्टॉप वॉच लगानी है, अब बताती हूँ स्टॉप वॉच लगाते हैं। चलिए तो हम खेलना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जैसे अल्फाबेट है और इसमें स्पेलिंग है, ठीक है, अब हमको 1 मिनट का टाइम है, ये 1 मिनट गेम है, इसमें पार्टिसिपेंट को क्या करना है कि अल्फाबेट निकालने हैं जल्दी जल्दी, और फिर आप देखिए कि क्या करना है। देखिए तो दिखना नहीं चाहिए इसलिए मैंने ये यूज़ किया है, उनको दिखना नहीं चाहिए कि कौन सा निकाला है। देखिए इस तरह से पी बी ठीक है, अब उनको अब इसमें से निकालने हैं, और
अगर उनके मैचिंग का निकला तो अच्छी बात है। ये देखिए, ये एन इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, एन फॉर नेस्ट है, पर यहाँ पर एन नहीं आया है तो ये वेस्ट हो गया। एल फॉर लायन, पी बी ओ ई वी, ये किसी से भी लायन मैच नहीं कर रहा है, ये भी वेस्ट हो गया। ए फॉर एप्पल, ये भी वेस्ट हो गया। और ये भी बिना देखे ही निकालना है, इसको भी देखना नहीं है, पार्टिसिपेंट को देखेंगे तो वो तो देख के वो हाल निकाल लेंगे और फिर जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी इनकी। ये देखिए, ऐसे बिना देखे ही निकालना है। ये वाई, ये भी नहीं हो रहा है। एस, ये भी नहीं हो रहा है। एन, ये भी नहीं है। ये देखिए, ओ निकला है। ओ से आउल ऐसे रख लेंगे। के नहीं हुआ। डी, डी भी नहीं मैच हुआ। तो मान लीजिए कि टाइम ओवर हो गया 1 मिनट का, तो अब उस प्लेयर को कितने पॉइंट मिले? ओनली वन, ठीक है ना? उस प्लेयर को ओनली 1 पॉइंट मिले। इसी तरह अगर आप सेकंड प्लेयर खेल रहा है, फिर वो इनको हम वापस से उसमें रख देंगे और इनको भी वापस से रख देंगे, इनको भी वापस से रख देंगे। सेकंड प्लेयर को भी सेम प्रोसेस करनी है। अगर उसकी टू स्पेलिंग मैच हो जाती है, अगर उसका अल्फाबेट और स्पेलिंग टू मैच हो जाती है, तो उसके 2 पॉइंट होंगे। विनर्स ऐसे ही डिसाइड होंगे। तो चलिए मैं आपको फिर से करके बताती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए, ये चूंकि 1 मिनट गेम है, तो हम टाइमर लगा के खेलेंगे। इसमें 1 मिनट का मैं टाइम सेट कर देती हूँ। तो ये 1 मिनट का टाइमर सेट हो गया। अब प्लेयर को स्टार्ट करना है। तो देखिए, जल्दी जल्दी उनको पहले ये लेना है, अल्फाबेट लगाने हैं इस तरह से। इसे जल्दी जल्दी खेलना है क्योंकि टाइम होता जा रहा है। ये वेस्ट हो गया। ये डी से डॉग आ गया। ये इसे एप्पल आ गया। के नहीं आया। के वेस्ट हो गया। एस भी वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हमको ये वापस इसमें रखिए और ये वापस इसमें। और इसी तरह से सेकंड प्लेयर भी खेलेगा। सेकंड प्लेयर को भी सेम टाइमर हम 1 मिनट का, जो हम लोग देखे खेलते हैं जो लोग, तो हम जानते हैं कि किस तरह से होता है। तो टाइमर लगा करके और इस तरह से 1 मिनट के अंदर ही जितनी जल्दी हो सके उतना हमको इसमें से अल्फाबेट लगाने हैं, इसमें से स्पेलिंग निकाल के लगानी है और मैच करनी है कि कितनी स्पेलिंग मैच होती है। और जितने मैच हो जाए वो आपके पॉइंट होंगे। ओके, तो होप है आपको समझ आ गया होगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको और वीडियो बताऊंगी।